of Almunza. Aaj, other than dessert, I thought of doing grilled fish. Highly keto friendly. इसके इंग्रेडिएंट्स शुरू करते हैं. आधा किलो मैंने लिए नाइल पर्च. कोई भी आप फिश लें, बस देखें कि उसका अच्छा क्लीन सा एक फिले हो, नो बोन्स. ये फिश बहुत खूबसूरत लगती है और अच्छी टेस्टी भी होती है पूरी फिश से अगर आप बनाएं. बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं 2 लार्ज टोमेटोज चॉप्ड, 2 अनियंस चॉप्ड, 2 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर, 2 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून हीप्ड ऑफ जिंजर गार्लिक, लेमन जूस तकरीबन 4 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट. मैं ऊपर ऑयल ड्रिजल करूंगी, मगर अगर आप चाहें तो आप अगर बिल्कुल कीटो बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बटर डाल दें, ऑयल ना डालें. तो लेट्स गो अहेड विद द मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. ये है अनियंस, 2 टोमेटोज. बेसिकली ये जो हम लोग कचूमर बनाते हैं सलाद का, इट इज दैट. कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस. ये मिक्स करना है. अब मैं फिश को सॉल्ट से जरा सा उस पर डस्ट करती हूँ. बस ये हो गया. चॉप्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, अब इसको फिश पे लगाना है, लेकिन पहले थोड़ा सा फिश को मैरिनेट करेंगे. अब ये 1/2 टीस्पून सॉल्ट मैंने लिया है, 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, 1/2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक. ये एक साइड पे मैंने फिश के मला है. इसी तरह मैं दूसरे साइड पे भी करूँगी. सेम 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, अगेन द 1/2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक. ये लेमन जूस इसको बहुत अच्छा एक खट्टा सा टेस्ट देता है, राइट अमाउंट ऑफ सावरनेस. ये जो कचूमर बनाया है, 1/2 ऑन द बेस एंड 1/2 ऑन टॉप. अगर आप होल फिश से कर रहे हैं तो हाफ फिश को बीच से स्लाइस कर लें, 1/2 एंड 1/2, एंड देन यू पुट द फिलिंग इनसाइड, 1/2 ऑफ इट इनसाइड एंड 1/2 ऑन द टॉप. ये बहुत ही डिलीशियस फिश होती है, वेरी हेल्दी. मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ. इसको मैं बेकिंग के लिए रख रही हूँ प्री हीटेड अवन में. 1/2 आवर लगेगा. अगर आपको लगे 1/2 आवर बाद आपकी फिश तो गल गई है और बहुत पानी है लिक्विड, क्योंकि टमाटर में भी है, अनियंस में भी है, फिश, लेमन, ऑल दैट, तो आप इसका ये कर सकती हैं कि जैसे ये ट्रे है, इसको मैं चूल्हे पे रख देती हूँ. ये मेरे साथ कई दफ़ा होता है व्हेन द फिश हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर इनसाइड, और चूल्हे पे आप इसको ड्राई कर लें. बट डोंट ओवर कुक द फिश, क्योंकि फिर वो निकलेगी नहीं, उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है. ये मिडिल रैक पे है फुल ओवन में. ये अब मैं उसकी डिप बना रही हूँ, हनी मस्टर्ड डिप. इसमें मैंने लिया है 1/2 कप ऑफ मेयोनीज, 1 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड पेस्ट, अगर आप पाउडर ले रही हैं तो 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून ऑफ हनी, 1 टेबलस्पून ये रेलिश है. ये मैंने मेयो डाली है, इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ हनी. यू कैन सब्स्टिट्यूट हनी विद मेपल सिरप आल्सो. 1 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज और 1 टेबलस्पून ये रेलिश का है. ये पिकल्ड क्यूकम्बर होता है. अब आप इसकी जगह ग्रीन करने के लिए यू कैन यूज चॉप ग्रीन चिलीज, यू कैन यूज चॉप पार्सली, कुछ नहीं तो कोरिएंडर, थोड़ा सा ग्रीन कलर आ जाए. मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि मेयो में भी होता है और थोड़ा सा ये पिकल्ड जो भी आप वेजिटेबल यूज़ करें, क्यूकम्बर या उसमें भी होता है. इफ़ यू वॉन्ट एक पिंच डालें, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. शुगर इसलिए नहीं डाला कि हमने सब्स्टिट्यूट किया है हनी से. ग्रिल्ड फिश तैयार है, थरली हेल्दी, सर्वड ऑन अ बेड ऑफ वेजिटेबल्स. लेमन के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेमन वैसे ही इसमें काफ़ी है, बट इट लुक्स नाइस एंड इट टेस्ट ऑल्सो गुड विद लेमन. दिस इज द डिप. प्लीज डू लाइक एंड शेयर. दिस इज सीमा ऑफ अलमुंजा साइनिंग ऑफ. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.